Obviously, this is Maya. Ali, और मैं क्या कर रही हूँ फोन पे? मैं एक ऐप डाउनलोड कर रही हूँ, वो है एयर वाई डिजिटल की, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना होता है हमारी फिल्म के बारे में, क्या क्या बात हो रही है. सो जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस ऐप ऑन योर फोन. थैंक यू. जानू, मैं कमाल की खबर लाया हूँ. कमाल साहब के इंतकाल की खबर मैं सुन चुकी हूँ नबील, बहुत अफसोस हुआ. ओ नहीं यार जानू, ये और खबर है भाई. अच्छा, क्या खबर है? जानू, तुम्हारे इस टैलेंटेड शौहर का आज इंटरव्यू है. क्या, तुम्हारा इंटरव्यू कौन ले रहा है? ओ जानू, मैं जॉब के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ. तुम जॉब करोगे नबील? हाँ जानू, अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मैंने सोच लिया है कि अपनी बीवी और बच्ची का खर्चा मैं खुद उठाऊंगा. मुझे तो यकीन नहीं आ रहा नबील कि तुम सचमुच बदल गए हो. मैं बहुत खुश हूँ. कैसी लगी जानू मेरी एक्टिंग? एक्टिंग? हाँ जानू, एक्टिंग. तुम्हें क्या लगा मैं वाकई नौकरी करूंगा? जानू, वो तो मैं रिहर्सल कर रहा था यार. हाँ जानू, मैंने सोच लिया कि मैं एक्टिंग करूंगा. मुझ जैसे हीरो की इस इंडस्ट्री को शिद्दत से जरूरत है. तुम्हें जो करना है करो, मेरा दिमाग मत खाओ. अच्छा ठीक है जानू, फिर जल्दी से लाओ 10,000 निकालो. 10,000 किस लिए? जानू, अगर मैंने इतना बड़ा स्टार बनना है तो 10-20 हज़ार तो मेरी जेब में होना चाहिए ना. जैसे ही पहली फिल्म साइन करूंगा तुम्हारा कर्जा सूद समेत वापस दूंगा. मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हारी फजूल खर्चियों के लिए. अच्छा जानू, 150 ही दे दो, मैं अंडे वाला बर्गर खा लूंगा. जानू शर आप नबील. ओके जानू, याद रखना जानू, तुमने 150-200 रुपए के लिए मुझे कैसे दुत्कारा है. ठीक, याद रखूंगा. या अल्लाह, मेरे ससुर के दिल में रहम डाल दे, वो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दे, फिर मैं गिन गिन के बदले लूंगा अपनी बीवी से. नहीं? ओ भाई, ये किसका मैसेज आ गया? ओ या अल्लाह, तेरा शुक्र है, ओ मेरे ससुर ने 10,000 रुपया डाल दिया. महमूद साहब को बताता हूँ. महमूद. सुनिए बासत, कितने दिनों से आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके गए, क्यों ना हम सी व्यू चले, मुझे ऊंट पे बैठा दें प्लीज. अरे रहने दो मुमताज, याद दिया पिछली दफा तुम्हें मैं सी व्यू पे ले गया था? अरे ऊंट पर बैठी ही थी, तुम तो ऊंट नीचे बैठ गया था. अच्छा फिर छोड़े, चल के बाहर ना मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करा दे, मैं तो घर में बैठी बैठी बड़ी वो हो गई हूँ. मोटी? चुप है, मोटी नहीं, वो जो आप दिन ब दिन होते जा रहे हैं. भाई मैं तो दिन ब दिन पुरकशिश और हसीन होता जा रहा हूँ, प्लीज मुझे बोर ना करो तुम. हाँ हाँ बोर, याद आ गया, कब से घर में बैठी बैठी बोर हो रही हूँ. माँ जी, मेहमान साहब तैयार हो जाए, हम बाहर जा रहे हैं. लो, अरे मुझे पहले ही तुम्हारी माँ परेशान कर रही थी, ऊपर से तुम भी आन धमके हो. अरे भाई मेरी अभी तक पेंशन नहीं आई है, मैं किसी को बाहर बाहर नहीं लेके जा रहा. ओ महमूद साहब बस कर दें यार, आप लोग बस तैयार हो जाएं, मैं खिलाऊंगा आज आप लोगों को बाहर खाना. मेरे पापा जी ने मुझे 10,000 रुपए भेजे हैं, ये देखें. ये क्या नबील? अरे ये 10,000 नहीं है, 10,00,000 रुपए. वशे पुत्र, देख अपनी माँ को ना भूली, किस तरह तेरी माँ ने ना पेट काट काट के तुझे इतना लंबा किया है. हैं 2-3 लाख तो मेरे बनते ना फिर. वैसे नबील हक तो मेरा भी बनता है, तुम्हारा बाप हूँ मैं. और बस कर दे महमूद साहब, मेरे पास पैसे क्या है और आपकी ममता जाग गई, मुझे सब याद है, मैं आपसे गिन गिन के बदले लूंगा. वो जो तुम मुझसे गिन गिन के लोगे वो बदला होगा? हाँ जी. अच्छा जी, मैं अभी खूबसूरत को बता के आया. डिंग डिंग चिक चिक डिंग डिंग चिक चिक. चार पैसे किसी के पास आ जाए उसका दिमाग खराब हो जाता है, देखा अपने बेटे को. जानू जानू, मैं तुम्हें ऐसी खबर दूंगा जिसे सुनकर तुम पागल हो जाओगी. इस घर में रह के मैं वैसे आधी पागल तो हो चुकी हूँ नबील. जानू, हमारे प्यारे पापा जी ने मेरे अकाउंट में 10,00,000 रुपया डाल दिया है. क्या? देख लो जानू, आखिर में मेरा कंजूस ससुर ही काम आया ना. पापा ऐसे कैसे इतनी बड़ी रकम तुम्हें दे सकते हैं? मैं पूछती हूँ पापा से. आखिर हीरे की कदर जौहरी को होती है जानू. पापा जी ने ये 10,00,000 मुझे बिजनेस के लिए भिजवाए होंगे, अब तुम देखना मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन बनता हूँ. अच्छा,
क्या बिजनेस करोगे तुम? जरा मैं सोच रहा हूँ कि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की एक दुकान बना लूं शजी हैदर की तरह, उसके बाद फिर मैं क्या करूं गोल्ड की ज्वेलरी की दुकान बनाऊं, देन मैं फिर डायमंड का मर्चेंट बन जाऊं। हाँ, और फिर तुम्हारी आंख खुल जाएगी नींद से, है ना? खूबसूरत, तुम जैसी बीवियां होती हैं जो शौहरों को तरक्की करता नहीं देख सकती। तुम फिर से कोई ड्रामा कर रहे हो नबील, मेरे पापा अच्छी तरह जानते हैं मेरे टैलेंट का। नहीं, तुम्हारे निकम्मेपन को। तो फिर उन्होंने मेरे अकाउंट में 10 लाख क्यों डाले? ये देखो, ये देखो, ये 10 लाख नहीं है नबील। अब तुम जलो मत खूबसूरत कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें पैसे नहीं भेजे। नबील, ये 10 लाख नहीं, 10 करोड़ है। क्या? क्या किया है तूने मेरे पुत्र के साथ फरजाना? खूबसूरत माँ जी। हाँ, क्या किया है तूने मेरे खूबसूरत पुत्र के साथ? जानू, जानू, मैं मुसा अरे मोमो, लगता है इसके दिमाग पे कोई गहरा सदमा पहुंचा है। अरे कुछ पढ़ के भूको। ओ नहीं यार महमूद साहब, मैं सचमुच करोड़पति हो गया हूँ। पापा जी ने मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपया डाल दिया है। चल पुत्र, जल्दी से तैयार हो जा। इस चुड़ैल को चोटी से पकड़ के ना घर से बाहर निकाल दे, इसने मुझे बड़े दुख दिए। मेरी अभी पापा से बात हुई है यार, पापा ने नहीं डाले 10 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में। अरे तो फिर वो कौन है जो नबील के नाम इतनी दौलत कर सकता है? बिल गेट्स। मैं बता रहा हूँ महमूद साहब आपको कि ये गैब से मेरी मदद हुई है, गैब से, अल्हम्दुलिल्लाह। शट अप नबील, मुझे लगता है मैं पुलिस को फोन करना चाहिए। हाय, बचपन में तू छोटी छोटी चोरियां करता था, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि बड़े होकर तू बैंक की लूटना शुरू कर देगा टिप्पू। ओ माँ जी, मैंने कोई बैंक नहीं लूटा यार, और तुम पुलिस को क्यों बुलाओगी यार? जानू, क्या हो गया तुम्हें? ये मेरी मेहनत की कमाई है भाई। अरे कौन सी मेहनत की भाई? ओ यार महमूद साहब, मैंने सो कर इसी दिन का ख्वाब देखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा वो ख्वाब रंग ले आया। पता कौन सा रंग? देखो नबील, मुझे ये बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है, हमें पुलिस को जरूर इत्तला देनी चाहिए। जानू, असल बात पता क्या है? तुमसे ना एक करोड़पति शौहर बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अमीर हो गया हूं, बस तुमसे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैं अमीर हो चुका हूं। या उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए। नबील, ये सब ठीक नहीं है। मेरी बात कान खोल के सुन लो खूबसूरत, पहले तुम बोलती थी मैं सुनता था, अब मैं बोलूंगा तुम सुनोगी। लेकिन नबील, ये पैसे तुम्हारे नहीं है यार। ये मेरे पैसे हैं, मैं जो चाहे खरीद सकता हूँ, बल्कि ये घर भी मेरा है। मेरी बात हो गई है जावेद साहब से, मैंने उन्हें 10 लाख रुपया टोकन भी दे दिया, राजी हैं वो बेचने के लिए। क्या नबील, तुम इस तरह ये पैसे खर्च नहीं कर सकते यार। मैं कुछ भी कर सकता हूँ जानू, बल्कि हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं फिर से शादी कर रहा हूँ। क्या तुम दूसरी शादी करोगे नबील? मैं दूसरी, तीसरी, चौथी, सब एक साथ कर रहा हूँ। नबील, तुम ऐसा नहीं कर सकते, चांदी का क्या होगा? चांदी पुरानी हो गई है जानू, अब मेरा नया बेटा हीरा आएगा। नबील, मैं अभी मैरिज ब्यूरो से आ रहा हूँ, धड़ाधड़ मेरे रिश्ते आ रहे हैं, और मैंने प्लान किया जानू कि मैं डिफरेंट बीवियों को डिफरेंट जगहों पे रखूंगा। एक को अमेरिका में रखूंगा, एक को हॉलैंड में रखूंगा, और एक को लंदन में रखूंगा। और मुझे? तुम्हें मैं मियां चन्नू भेज दूंगा, तुम बाकी की जिंदगी मियां चन्नू में गुजारोगी। मैं अपने पापा के पास चली जाऊंगी फिर। हाँ जानू, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जितनी जल्दी हो सके अपनी शक्ल गुम करो, और मैं ये घर खरीद के माँ जी के नाम कर रहा हूँ, अपनी माँ के नाम। नबील, शट अप जानू, इसको क्या कहना था तुमने?
10 करोड़ बड़ी रकम होती है मोमो, तुम अपनी जुबान से नाम ना लेना, तुम्हारे मुंह पे छाले पड़ जाएंगे। आप बोली 10 करोड़। 10 करोड़? करोड़ आपसे तो बोला नहीं जाता, तो मैं कब बोलूं? हाँ भाई अली इमरान, क्या हुआ भाई? ओ भाई, मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर मेरी छत पे हेलीकॉप्टर चाहिए भाई। हाँ, पैसों की फिक्र मत करो यार, मैं डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा हूं यार, मुझे पहुंचना है, पेरिस पहुंचना है भाई। ओ यार प्लीज, यार प्लीज, ये पैसे वैसों की बात मुझसे ना किया करो यार। ओके बाय। ओह यार, ये मुझे मैनेजर को फारिग करना पड़ेगा यार, इसी काम का नहीं है। नबील, तुम अपना मैनेजर मुझे रख लो ना, मैं तुम्हारे पैसे को बड़े संभाल के रखूंगा। ओ सिट डाउन, सिट डाउन। इतने बड़े मुंह वाला मैनेजर रख लूं, आपके मुंह के चक्कर में मुझे हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी भाई। पुत्र, व्हाट आई गो टू पेरिस? हां मां जी, आईफिल टावर के नीचे कल मेरा निकाह है। ओश वश, तू देखना पुत्र, मैंने भंगड़े डाल डाल के जैफल टावर हिला देने। जैफल टावर नहीं है माँ जी, आईफल टावर है। आप टेंशन ना लें, अपना सामान बांधे, क्या याद करेंगी आप। नबील, वो तुम्हारी शेरवानी का क्या हुआ भाई? एक काम करो, मुझे ना 2-3 लाख रुपया दो, मैं तुम्हें बेहतरीन सी शेरवानी सिलवा के देता हूँ। और गरीब आदमी, अपनी शेरवानी अपने पास रखो, मैं ऑर्डर कर चुका हूँ शेरवानी, 5-5 तोले का, एक एक बटन लगा है उसमें सोने का। सोने का बटन? जी पुत्र, 2 बटन मुझे देना, मैं कुंडे लगवा के ना टॉप्स बनवा लूंगी। इस कटिया आदमी ने मुझे सोने की कोई चीज कभी बना के नहीं दी है। अरे क्या कह रही हो तुम, अभी पीछे तो मैंने कंगन बनवा के दिए तुम्हें मुमताज। देखा देखा, पता नहीं किस मुमताज को कंगन बना रहा है ये शख्स। अरे मुमताज तुम्हारा नाम है भाई मोमो। बट नहीं मायने मटो ना। अरे माँ जी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अब आपका बेटा है ना, आपके कदमों में ढेर लगा देगा जेवरात के। वो जो तुम इसके कदमों में लगाओगे वो जेवरात का ढेर होगा। जी अच्छा जी। ओके माँ जी, आप अपनी पैकिंग कर लें, मैं जरा करेंसी एक्सचेंज करा के ना यूरो ले आऊं, हमने आईफल टावर के ऊपर जाके अंग्रेज फकीरों के लिए यूरो फेंकने हैं। बड़ा मजा आएगा माँ जी, बड़ा मजा आएगा। मैं अभी आया। नबील से कहो ना कि मुझे भी अपने साथ पेरिस ले जाए। आप कौन है अंकल? ओए, ये पकड़। और ट्यूबलाइट, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूँ। अच्छा तो तू वो लेने आया होगा। अबे वो क्या? वही जो आसमान में होता है। कौवा? नहीं नहीं, जो बड़ा बड़ा खूबसूरत होता है ना। नहीं नहीं नहीं, अरे खूबसूरत तो मेरी बीवी चंदा थी, तो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। चंदा? हाँ हाँ, याद आया, तू यहाँ चंदा लेने आया ना बच्चू। चंदा लेने नहीं आया हूँ मैं, नबील से मिलने आया हूँ। नबील से? पर यहाँ तो कोई नबील नहीं रहता। ऐसे कैसे हो सकता है, एड्रेस तो यही है। मेरे बेटे का नाम तो सलीम है और वो करोड़पति है बच्चू। अच्छा, आपका बेटा कब से करोड़पति है? यही कोई 6-7 घंटे से। अच्छा, तो मेरे पैसों पे वो अय्याशी कर रहा है। कहाँ छुपा बैठा है, निकाल उसको। कसम से भाई, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने तो बात इसको कहा के पराए पैसों पे याशी ना कर। महमूद साहब, आप प्लीज नबील को समझाएं यार। खूबसूरत, मैं तो कब से उसे समझा रहा हूँ कि हमें भी अपने साथ पेरिस ले जाए, वो सुन ही नहीं रहा। ओहो, मैं पेरिस ले जाने की बात नहीं करी, पुलिस से बात करने की बात कर रही हूँ। अरे कौन है तुम और क्या चाहिए तुम्हें? पप्पी है? नबील, नबील! ओ यार महमूद साहब, क्या हो गया आपको? अब मैं करोड़पति हूँ और आप जाहिलों की तरह आवाज दे रहे हैं नबील नबील नबील। ये गन पॉइंट पे मुझे पप्पी मांग रहा है यार। तो भाई क्या छिछोरपन लगा रखा है तुमने, है? तुझे पता नहीं मैं ताजा ताजा करोड़पति हुआ हूँ? ये कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम्हें 2-4 लाख रुपया भीख चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। पप्पी नाम है मेरा, पप्पी, और मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ, समझा? कौन से पैसे भाई, मैंने आज तक तुझसे उधार ही नहीं लिया, लेकिन तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं तुम्हें 2-4 लाख रुपया दे सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अबे ओ, मुझको ना अपने पूरे 10 करोड़ रुपए चाहिए, अपने ब्लैक का पैसा ना मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, मुझको पूरे के पूरे पैसे चाहिए। ये पगड़
अकाउंट नंबर, इसमें पैसे ट्रांसफर कर जल्दी। शकील तो फिर से वो ही हो गया। वो क्या माँ जी, अब भूखा नंगा। मुझको ना पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपए वापस चाहिए। एक रुपया भी कम हो ना इसके अंदर जितनी गोलियां हैं तेरे अंदर उतार दूंगा मैं। ओके पपी भाई, ओके ओके पपी भाई, ओके। आप बैठे पप्पी भाई, भाई। जानू जानू मुझे माफ कर दो जानू। जानबीर भूल गए कुछ देर पहले किस तरह की बातें कर रहे थे तुम मुझसे? जानू वो तो मैंने तुमसे छोटा सा मासूम सा नन्हा सा मजाक किया था ना। और वो जो दूसरी तीसरी और चौथी शादी तुम एक साथ करने वाले थे वो, और पेरिस का क्या हुआ? जानू तुम्हारे होते हुए मैं दूसरी शादी का सोच भी कैसे सकता हूँ जानू, वो तो फिर मैंने मजाक किया था। आओ जानू मुझे बचा लो प्लीज जानू, क्योंकि वो बब्बी भाई जो है ना वो पैसे लिए बगैर नहीं जाएगा। तो दे दो उसके पैसे। जानू उन पैसों में से तो 20 लाख रुपया मैं खर्च कर चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? जानू पापा जी से कह के 20 लाख मंगवा लो प्लीज। हरगिज नहीं नबी, मैं अपने पापा को इन कामों में बिल्कुल शामिल नहीं करूंगी। जानू इतनी संग दिल मत बनो, अपना सुहाग बचा लो जानू। वो जो पप्पी भाई है ना वो तुम्हें बेवा करने पे तुला हुआ है यार, और तुम्हें पता नहीं है एक बेवा की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। तुम मेरी फिक्र ना करो नबील, मैं ज्यादा अरसे बेवा नहीं रहूंगी। क्या? हाँ मैं तुम्हारे मरने के बाद दूसरी शादी कर लूंगी। जानू शराब नबील। ओके जानू उतारू ये कपड़े किसी के। आइए 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 आए चची भाई, आए 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 इधर बैठ जाएं आप। आए आए चले। ये देखें चची भाई ये हमारा वो है। बाग, हमारा बाग है। और इस बाग में बड़ी प्यारी प्यारी वो आती हैं। है लड़कियाँ वो जो उड़ती फिरती हैं। तितलियाँ तितलियाँ तितलियाँ। ओ हेलो ओ चुप करो तुम दोनों, भैया बाग में ना तितलियाँ देखने नहीं आयो, पैसा लेना है अपना पैसा। भैया पैसे तो नबील ही वापस करेगा ना, और सुबह से दोनों हाथों से पैसे लुटा रहा है वो। ओ हेलो और मेरी ब्लैक की कमाई ना वो इस तरह नहीं उड़ा सकता। एक गल दसे जफी भाई, जो पैसे ना आपको दिए गए तो दील के साथ आप करेंगे क्या? या दील कौन है आप? मेरा पुत्र। तो मैं ना उसे जान से मार डालूंगा। मैं तो कहता हूँ पप्पी भाई उस चोर को तड़पा तड़पा के मारना, बख्शना नहीं है उसे। खबरदार मुस्तकीम, जो मेरे दील को किसी ने हाथ भी लगाया तो। अम्मा जी ओ हेलो, तो उसकी सही गोली तुम खा लो। नहीं पुत्र मैं तो मजाक कर रही थी, मेरी तरफ से 2 गोलियां और मार देना, मेरा तो बस एक ही पुत्र है तांबा। सोना अब सोना नहीं मिल सकता क्योंकि ये जप्पी भाई अपने पैसे वापस ले रहे। पपी भाई वो ये सारी चीजें ना मैंने उन्हीं पैसों से खरीदी थी, आप ये सारी चीजें रख ले। क्या करूं मैं इनका, मुझको मेरे पैसे चाहिए 10 करोड़ रुपए। हाँ तो ये चीजें मैं रख लेती हूँ। किफील देखो पप्पी भाई, तुमने जो भी करना है ना इसके साथ घर से बाहर जाकर करो, मुझे अपने घर में कोई खून खराबा नहीं चाहिए। भाई तू कितनी जालिम औरत है नसरीन। मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। तुझे ना बहुत बड़ी वो है। वो क्या? जानू सच सच बताओ तुम्हें कौन सी बीमारी है यार? ओ यार नबील मुझे कोई बीमारी नहीं है। ओहो इनका मतलब है कि इसको बहुत बड़ी खुशफहमी है कि ये खूबसूरत है। अरे भाई तुम सब मिलके पप्पी भाई को परेशान मत करो। पप्पी भाई आप आराम से नबील की जान ले, अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यार मैं हूँ सब ऐसा तो ना करे यार, आप मेरे बाप है, बाप तो औलाद के लिए सीने में गोली खा लेता है। मैं अपनी सारी गोलियां नाश्ते के बाद खा चुका हूँ नबील, अब गोली खाने की तुम्हारी बारी है। चल भाई गिनती गिन, गिनती गिन 3 तक तू। अब पप्पी भाई मुझे गिनती नहीं आती। अरे कोई बात नहीं नबील, ये काम तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा, गिनती तो मैं गिन ही सकता हूँ। चल रेडी 1 2 3। अब आया ना पप्पी पिस्तौल के नीचे, और बड़ा तेरा बर्फानी रिछ जैसा मुंह है, तुझे भिजवाऊंगा मैं सर्कस में,
वहां तुझे लोग बोलेंगे शेर बन कुतिया शेर बन तेर निकल इसमें तो गोलियां ही नहीं है क्या I'm sorry puppy boy I'm so sorry 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 I'm so sorry अब बोल क्या बोल रहा था मुझको बर्फानी रीच शेरबन कुतिया शेरबन है छोटी शर्ट वाले बोल हल्का बोल रहा था मुझको तू पपी भाई मैं तो मजाक कर रहा था आप तो अब बुरा ही मान गए सर्कस भिजवाएगा मुझको टिकट लगवाएगा मुझ पर टिकट भाई वो तो मैंने ऐसे ही बिजनेस प्रपोजल दिया था सर्कस वाला उसमें दोनों भाइयों की बड़ी कमाई हो सकती है प्रपोजल तेरा प्रपोजल मरने के लिए तैयार हो जब तू पपी भाई बस आखिरी मौका दे दे बस एक घंटे में पैसे लाकर आपके मुंह क्या 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 मुंह पे क्या कह रहे हो नहीं 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 मैं कह रहा हूं पपी भाई आपके हाथ पे रख दूंगा तेरा ना टाइम पूरा हो गया यार पपी भाई मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो गब्बर सिंह ने भी पूरी की थी यार अच्छा अच्छा बस कर इतना इमोशनल ना कर बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या बस पपी भाई मुझे एक घंटा दे दे अगर मैंने एक घंटे में आपके पैसे वापस ना किए ना तो फिर बेशक मुझे गोली मार देना ठीक है एक घंटा है तेरे पास जा जी ले अपनी जिंदगी थैंक यू पपी भाई थैंक यू वेरी मच पपी भाई थैंक यू यार पपी भाई ने एक घंटे की मोहलत दी है अब मैं क्या करूं नबील जरा मेरी पीठ खुजा दो यार बहुत खुजली हो रही है मेरे पास ना स्टील का खरखरा नहीं है अच्छा मैं मूसा मरने से पहले मैं कहीं आपको ना मार दूं अरे भाई ये सब तुम्हारा किया धरा है अब खुद ही भुगतो वैसे जानू मैंने तुम जैसी जालिम बीवी नहीं देखी एक बात याद रखना मर के भी मेरी रूह यहीं भटकेगी दिन रात अच्छा वो जो दिन रात इस घर में भटकेगी वो तुम्हारी रूह होगी हाँ जी अच्छा जी पुत्र तेरे मरने के बाद जो तेरी बनियान का मैं पोछा बना लूं तो तेरी रूह माइंड तो नहीं करेगी हाँ जी हाय कफील ओ यार बंद करें ये ड्रामे आप लोग भट्ट साहब को फोन करके क्यों नहीं बता रहे पप्पी भाई के बारे में करें हमारी बाबिया कैसी है और सुनो बट्टू वो जो सामने वाली हमसाई पे आपने नजर रखी हुई थी उसका क्या हाल है बाल बच्चा सब ठीक है ना और यार महमूद क्या बताऊं तीसरी बीवी के पांचवें बेटे को मोशन लगे हुए मोशन अरे भाई तो उसे केले खिलाए ना ठीक हो जाएगा ओ यार महमूद साहब काम की बात करें यार हेलो जेट साहब शकील की जान उसमें है किसमें नहीं नहीं किसमें नहीं उसमें है बट साहब तोते में यार माँ जी क्या कर रही हैं यार उन्हें बताएं मेरी जान खतरे में है भाई हाँ जलील की जान खतरे में है वकील अरे मैं वकील नहीं पुलिस वाला हूँ भाई सारे भाई साहब गलती से फोन लग गया था आपको रॉन्ग नंबर ये तो वकील ही नहीं है माँ जी इधर दे हेलो बट साहब मैं खूबसूरत बोल रही हूँ बुलबुले वाली आप नबील की जान को खतरा है प्लीज जल्दी आ जाए आ रहे हैं भट्ट साहब चल भाई मरने के लिए तैयार हो जा तू पपी भाई जल्दी करे वरना भट्ट साहब आ जाएंगे ये भट्ट कौन है अब कोई नहीं है पपी भाई भट्ट कोई भी नहीं है यार देख पपी मेरे पुत्र को छोड़ दे मैं तेरे सारे पैसे ना किस्तों में अदा कर दूंगी अरे कैसी बातें कर रही हो मोमो अरे तुम कहां से किस्तें भरती रहोगी मुझसे तो आप लोग कोई उम्मीद ना रखिएगा मैं अपने मिए की ना किडनियां बेच के तो पैसे पूरे कर दूंगी अरे मोमो मेरी सिर्फ दो ही किडनियां हैं यार हां तो मैंने उन दो के छोटे छोटे टोटे करके बेचने ना अरे बस करो बकवास अपनी मैंने दूसरी जगह भी जाने पैसे रिकवर करने तेरी तो मुझे कब से तलाश थी अब तेरा सारा ब्लैक का पैसा पकड़ा जाएगा पपी अब तू जेल जाके पीसी चक्की और तू भी चलेगा नबील जेल क्योंकि तूने भी इसका पैसा खर्चा है बाय बाय नबील अब हम तुमसे ना जुमेरात की जुमेरात जेल में मिलने आया करेंगे खाना लेकर चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल ओ चल
चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं उस बार की देखी जाएगी बले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा और बबल फुलाए चलता जा कोई जाए अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज शहराब मुनव्वर सिद्दीकी और इस वक्त आप मुझे ARY डिजिटल के पोर्टल पर देख रहे हैं फॉर मोर एक्साइटिंग न्यूज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ARY डिजिटल